हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए उनकी खुशी में अयोध्या के नागरिकों ने दीपोत्सव मनाना शुरू किया और वो परंपरा हजारों वर्षों से दिवाली के रूप में पूरे भारतवर्ष में चली आ रही है और 2017 से धूमधाम से यहाँ पर दीपोत्सव का प्रोग्राम हो रहा है। यह कार्यक्रम एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होता है क्योंकि अयोध्या जी हमारी सप्तपुरियों में से एक हैं और यहाँ के इस पूरे प्रोग्राम में कार्यक्रम में सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। कल हमारे जितने सीनियर ऑफिसर थे सचिव ACS होम ADG एलओ DG इंटेलिजेंस और हमारे ADG साहब सबकी यहाँ पर मीटिंग हुई, सब लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन सबके साथ हम लोगों का समन्वय बढ़ा हुआ है और उसके आधार पर मैं आपको पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग इसके लिए रेडी हैं और 13 तारीख के क्षण की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जब दीपोत्सव अयोध्या जी में मनाया जाएगा और जितनी भी पुलिस फोर्स हैं, PSC हैं और अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं जो सुरक्षा से संबंधित, उन सब के साथ हमारी मीटिंग हो गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया, हमारे लोग अलर्ट हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन दीपोत्सव का प्रोग्राम रहेगा उस दिन अयोध्या जी के बाहर के लोगों का अयोध्या में आना प्रतिबंधित रहेगा, वर्जित रहेगा। कोविड को देखते हुए जो उसकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल का, हम लोग अनुपालन कराएंगे, उसको सुनिश्चित कराएंगे। इसमें चिन्हित लोगों को प्रशासन ने इनवाइट किया है तो जिनको इनवाइट किया जाएगा वही लोग आ सकते हैं, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं रहेगी। अयोध्या के लोगों को गाड़ी से आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन जो बाहर के जनपद के लोग हैं उनके आने पर प्रतिबंध रहेगा। अयोध्या जी में हाईवे पर भी उस दिन डायवर्जन रहेगा और अयोध्या शहर में 13 जगहों पर हम लोगों ने डायवर्जन किया है, बाकी हमारी बैरिकेडिंग और सारी चीज़ें हो गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस बार का दीपोत्सव का जो हमारा प्रोग्राम होगा पूरी तरह से अप्रतिम होगा, भव्य होगा और प्रभु श्री राम